हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट डिस्कस करते हैं। गाइस, मैं रेगुलरली यहाँ पे आता हूँ, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक रिक्शा के बारे में बात करता हूँ। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूंगा, गाइस डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं। तो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सबसे पहले ओकिनावा और टसीडा की पार्टनरशिप के बारे में। ओकिनावा भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का मैन्युफैक्चरर है और टसीडा एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरर है। उन दोनों ने हाथ मिला लिया कि वो आपस में एक प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। ऐसी आज मैं दो न्यूज़ पढ़ने वाला हूँ जिसमें दो व्हीकल OEMs आपस में हाथ मिला रहे हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न है कि फास्टर डिप्लॉयमेंट। अगर किसी कंपनी के पास कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नहीं है, बैटरी टेक्नोलॉजी, पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी, तो या तो वो स्क्रैच से डेवलप करेगी या फिर वो दूसरी कंपनी से हाथ मिला लेगी जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, विच मेक्स मोर सेंस। जिस तरीके से गाइस ओला ने जब अपना स्कूटर बनाया तो उन्होंने स्क्रैच से डिज़ाइन नहीं किया, उन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी इटरगो जिसके पास ऑलरेडी वो डिज़ाइन था और उसको उन्होंने इंडियन कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई किया। तो गाइस सिमिलरली ओकिनावा और टसीटा ने अब हाथ मिला लिए हैं टू फॉर को डेवलपमेंट और लोकल डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटरसाइकिल फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। टसीटा विल प्रोवाइड, आई होप मैं प्रोनाउंसिंग इट राइट, टसीटा विल प्रोवाइड पावर ट्रेन। वो पावर ट्रेन देगी, कंट्रोलर देगी, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम देगी और ऑब्वियसली फिर ओकिनावा उसको इंडियन कंडीशंस के हिसाब से टेस्ट करेगा अपनी राजस्थान की फैक्ट्री में। 2023 तक जो है आपका हाई एंड परफॉर्मेंस स्कूटर आपको मिलेगा देखने को फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और ऑब्वियसली इससे मार्केट आउटरीच बढ़ेगी टसीटा की भी और हो सकता है कि ओकिनावा को भी, जो टसीटा का ऑफशोर मार्केट है, उसको उसकी एक्सेस मिले। सो गाइस ये तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है जो कि काफ़ी सिमिलर न्यूज़ है, जिसमें महिंद्रा वॉल्क्सवैगन की पार्टनरशिप के बारे में बात करी गई है। यानी कि इस केस में ये दोनों महिंद्रा और वॉल्क्सवैगन आपस में हाथ मिलाने वाले हैं फॉर को डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी सेल एंड कंपोनेंट्स। तो महिंद्रा ने वॉल्क्सवैगन के साथ पैक्ट साइन किया जहां पर वो वॉल्क्सवैगन की जो टेक्नोलॉजी है, MEB कंपोनेंट्स और अपनी अपकमिंग एक बॉन्ड रेंज है महिंद्रा की, उसके लिए वो यूज़ करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिमिलर रीज़न यहाँ पे गाइस, या तो महिंद्रा बैठ के स्क्रैच से वो पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी बनाए, वो बैटरी टेक्नोलॉजी बनाए, या फिर वो किसी और से ले ले। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि सारे OEM जो कि एक्चुअल में कॉम्पिटिटर है आपस में आ रहे हैं को डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। और मैं आपको इस महिंद्रा के बॉन्ड रेंज के प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। इन्होंने ज़्यादा अनवील नहीं किया है, जुलाई 2022 में अनवील होगा, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने हल्का सा हिंट दिया कि एक्चुअली ये बॉन्ड प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। Let's play the video, guys. गाइस जैसा कि आपने देखा, ज़्यादा तो पता चला नहीं वीडियो में, लेकिन मुझे तो साइबर ट्रक वाली फीलिंग आ रही है। आई डोंट नो आपको कौन सी फीलिंग आ रही है, और मुझे तो साइबर ट्रक जैसी फीलिंग आ रही है डेफिनेटली। और इसमें जो EV बनेगी वो 2025 में रिलीज होगी, तो डेफिनेटली अ गुड यू नो साइन फॉर द EV इंडस्ट्री। और ये जो वीडियो है ये इनका महिंद्रा का जो लंदन में स्टूडियो है उसने बनाई है। गाइस नेक्स्ट न्यूज़ में हम बात करेंगे किया की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल किया EV6 के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेड है। लेकिन इंडिया में इसके सिर्फ 100 मॉडल्स आएंगे, अभी इंडिया का मार्केट पूरी तरह प्रिपेयर नहीं है किया के लॉन्च के लिए, इसलिए किया अभी सिर्फ 100 वो कर रही है। बट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्लेम करें कि 18 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाती है। बैटरी कैपेसिटी 74 यूनिट है, 74 यूनिट्स, लेकिन जो क्लेम रेंज है वो 530 किलोमीटर है। अगर मैं देखूं कि 77 यूनिट्स की अगर बैटरी है, सॉरी, तो आई वुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट 600-700 किलोमीटर की रेंज, बट इसमें 530 किलोमीटर की डुअल मोटर पे इन्होंने रेंज बताई है। गाइस डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी सही डिज़ाइन है, ऑब्वियसली SUV है। एंड जो प्राइस इसका पड़ेगा वो करीब 55 लाख से नॉर्थ में पड़ेगा। उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ और बाकी सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करी जाएंगी। इसके अंदर बहुत ही सारे फीचर्स भी हैं, जैसे फ्लैट फ्लोर, बहुत ज़्यादा स्पेस है, 990 mm का लेगरूम स्पेस है, 12.3 इंच हाई डेफिनेशन वाइड स्क्रीन है, ऑगमेंटेड रियलिटी HUD, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑगमेंटेड रियलिटी HUD, ये अभी तक मैंने किसी गाड़ी में नहीं सुना है, 14 स्पीकर मेरिडियन सराउंड साउंड सिस्टम, फ्लश डोर और बहुत सारे और फीचर्स होंगे। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका प्लेटफॉर्म है जिस पे किया बनाएगी गाड़ी, इसको EGMP बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये गाड़ी EV6 बनाई जाएगी।
गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैं आखिरी न्यूज़ हमेशा इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि देश विदेश में क्या चल रहा है। तो आज मैं पढ़ूंगा, मोस्टली मैं चार्जिंग स्टेशन के बारे में पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा झुकाव थोड़ा चार्जिंग स्टेशन की तरफ ज़्यादा है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। आप बाकी यूट्यूब चैनल देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर की ज़्यादा बात करते हैं, मैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की ज़्यादा बात करता हूँ। तो नॉर्थ अमेरिका में कंपनी है चार्ज लैब, जिन्होंने ABB के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। तो चार्ज लैब, मैं ये न्यूज़ क्यों पढ़ रहा हूँ, देखिए ABB की न्यूज़ मैंने आपको पहले ही पढ़ी थी। ABB काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरर है चार्जिंग स्टेशंस का, जो ग्लोबली प्रोडक्ट रोल आउट कर रहा है। लेकिन गाइस, आप एक ध्यान रखिए कि एक बात का ध्यान रखिए कि जितने भी चार्जिंग स्टेशन मैन्युफैक्चरर्स हैं, नॉट जस्ट इन ग्लोबली बट ऑल्सो इन इंडिया, दे डोंट हैव रियली अ सॉफ्टवेयर विद दैम, सो दे नीड अ सॉफ्टवेयर टू बी अटैच्ड। सो सिमिलरली डेल्टा हो गया, ओकाया हो गया, एक्सीकॉम हो गया, तो ABB ने चार्ज लैब के साथ ये पार्टनरशिप कर लिया कि जो भी हमारा चार्जिंग स्टेशन जाएगा वो अब सॉफ्टवेयर के साथ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आपको चार्जिंग स्टेशन मैनेज करना है, ऑपरेट करना है, मॉनिटर करना है। अगर कोई फ्लीट ऑपरेटर है उसको चार्जिंग स्टेशन यूज़ करना है, अगर कोई चार्ज पॉइंट ऑपरेटर है उसको चार्जिंग स्टेशन यूज़ करना है, कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसको चार्जिंग स्टेशन यूज़ करना है, सबको एक सॉफ्टवेयर तो चाहिए। तो इसलिए सॉफ्टवेयर कंपनीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चार्ज लैब की ऑलरेडी 15 मिलियन की फंडिंग हो चुकी है, और यप, सो दैट्स व्हाट दे आर क्लेमिंग दैट नाउ दे हैव टाइड अप विद ABB एंड देर अदर चार्जर्स। अभी करीब करीब 10,000 तक के चार्जर्स हैं इनके पास नॉर्थ अमेरिका में। सो विल हैव टू सी कि अब इनका बिजनेस आगे कैसे चलता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं। तो सो दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।